दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज ट्रैकर वीडियोस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बताने क्या वाला हूँ मतलब आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपके पीसी की स्पीड को बूस्ट कर देंगे। एकदम से आपके पीसी की जो स्पीड है ना, वो बढ़ने वाली है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं पहली टिप की तरफ। और ये टिप क्या है, आपको ना अपने पीसी की जो डिस्क है उसको क्लीन करना चाहिए। हाँ, आपने ये बहुत जगह सुनी होगी कि हार्ड डिस्क को क्लीन करना चाहिए, लेकिन कैसे क्लीन करना चाहिए? देखी भी होगी बहुत सारी वीडियो, आपने क्लीन भी की होगी, लेकिन फिर भी एक मतलब रियलिटी के लिए बस बता देता हूँ। वैसे तो हमारे विंडोज़ में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है डिस्क क्लीनर। मैं लिख देता हूँ डिस्क क्लीनर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर बस राइट क्लिक करना है आपको, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। ये आ गया, अब ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये जो सारे टेम्पररी फाइल्स होती है उन्हें ढूंढेगा। अगर आप गेम्स वेम्स खेलते हैं तो आपकी जो टेम्पररी फाइल्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगी। तो थोड़ा वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम ले सकता है गाइस, ये थोड़ा टाइम ले सकता है। अगर आपके जो पीसी है उसमें ज़्यादा जंग फाइल है क्योंकि आपने कभी क्लीन ना की हो, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। हालांकि ये मेरे में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं अक्सर क्लीन करते रहता हूँ अपने पीसी को फॉर बेटर परफॉर्मेंस। वेट करते हैं, देखते हैं। गाइज, अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, तो गाइज था कॉम्प्रोमाइज कीजिए, क्योंकि अभी जान सकते हैं माइक मेरा जो बहुत ही लो एंड है, तो थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और आपसे टाइम मिले चलो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो गाइस, अभी ये इसने जो है जंक फाइल ढूंढ लिया, देख सकते हैं यहाँ पे इसने बहुत सारी फाइल्स ढूंढी, हालांकि ज़्यादा नहीं, 54.4 MB इसने अभी तक ढूंढा है। तो आपको सबको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। अब ना अभी भी आपकी जो कंप्यूटर है उसमें से पूरी जंक फाइल क्लीन नहीं हुई। अब अगला स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ना रन कमांड खोल लेना है, देख सकते हैं रन कमांड खोलता हूँ। और यहाँ पे ना आपको क्या लिखना है, आपको लिख देना है prefetch, देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है, वहां से आप स्पेलिंग देख सकते हैं, तो देख सकते हैं ये नीचे आ गया prefetch। इसके ऊपर क्लिक करता हूं मैं, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहां पे बहुत सारी फाइल आएंगी, इसको क्या करना है, आपको कंट्रोल ए दबाना है और डिलीट कर देना है। बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं अगर आपने कभी किया ना हो, मैंने तो अभी अक्सर ही करता रहता हूँ, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और उसके बाद टेम्पररी फाइल्स का एक फोल्डर होता है जिसका नाम है टेम्प। ये आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो, वैसे ही आप टाइप कर दीजिए टेम्प, और यहाँ पे जितने फाइल्स हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए। अब एक और ऐसी फोल्डर रहती है परसेंट टेम्प ही लिखना है आपको, देख सकते नीचे आ गया, टेम्प ही लिखना है आपको, लेकिन उसके आजू बाजू परसेंटेज लगा सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, तो उधरी से देख के आप सिंपली कॉपी कर लीजिए। आप कंट्रोल ए दबाइए, शिफ्ट डिलीट दबाइए, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और हाँ, मालवेयर देख सकते हैं, मेरे को मैसेज आएगा आपको बता दूँ, मालवेयर आपको क्लीन करते रहना है। इससे होगा क्या कि जो आपकी पीसी होगी अगर उसमें कोई मालवेयर होगा तो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। तो ये हो चुका है, अब चलिए देखते हैं अगली स्टेप। तो गाइज, अब जो अगला स्टेप है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगले स्टेप में मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपकी पीसी में ना आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे जाना है और यहाँ पे लार्ज आइकन सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे ना आपको पावर ऑप्शन करके मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना।
और यहाँ पे देखिए आपके पे बैलेंस पे होगा। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो गाइस, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हाई परफॉर्मेंस जब भी आप लगाए रहे, अगर हाई परफॉर्मेंस जो प्लान है अगर जब भी आप इसे लगाए तो मेक श्योर कि आपका जो चार्जर है वो कनेक्टेड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहा है। देख सकते हैं इस समय मेरा जो चार्जर है वो कनेक्टेड नहीं है और मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ अपने लैपटॉप को यूज़ करते हुए और ये 71 पे आ गया है। तो हाई परफॉर्मेंस को यूज़ करते समय मेक श्योर कि आपका जो लैपटॉप का चार्जर है, अगर आप लैपटॉप पे हो तो चार्जर कनेक्ट करके रखें, और अगर आप पीसी पे हो तो भाई थोड़ा खर्चा करना ही पड़ेगा आपको बिजली के बिल पे। तो ये आपको हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक कर, आपका बैलेंस पे होगा या पावर सेवर जो भी हो, लेकिन आपको हाई परफॉर्मेंस पे कर देना है इसको। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। भाई जो अगला स्टेप है ना वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगले स्टेप में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पीसी के बैकग्राउंड एप्स को एक तरीके से स्टॉप कर सकते हैं कि वो बैकग्राउंड में ना चले। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स खोलना है, और हाँ मैं अभी विंडोज़ का पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना है, मैं आपको दिखा भी दूँ, देख सकते हैं ये 10/240 बिल्ड है। और गाइज ये मेरा पुराना लैपटॉप है, दैट्स वाई ये मैं पुराना विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसमें लेटेस्ट वाला डाल दूंगा तो ये चलेगा ही नहीं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जाना है प्राइवेसी और जनरल में ही जितने भी आपको ये सब बंद कर देना है। तो ये सब मैं पहले से बंद करके रखता हूँ। और लोकेशन, अगर आप लोकेशन यूज़ करते हैं तो आप लोकेशन को चालू कर दीजिए, नहीं यूज़ करते हैं तो ऑफ़ कर दीजिए। मैं अभी यहाँ पे ऑफ़ कर देता हूँ। कैमरा, ये कैमरा अगर आप लैपटॉप पे तो यूज़ करते होंगे, नहीं है तो मेरा तो लैपटॉप में मैं तो यूज़ करता हूँ। और जिन ऐप्स पे यूज़ करते हैं जैसे पिक्स आर्ट पे मेरे को चाहिए रहता है, तो ये सब समझ सकते हैं आप। माइक्रोफोन, अब माइक्रोफोन माइक्रोफोन तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने लैपटॉप का ही माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे मुझे ज़रूरत है। अगर आप माइक्रोफोन यूज़ नहीं करते सिंपली इस पर क्लिक करके बंद कर दीजिए, हालांकि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, स्टॉप गेटिंग टू नो मी, ये गेटिंग टू नो विंडोज एंड कोटाना कैन गेट यू नो योर वॉइस एंड राइटिंग टू मेक बेटर सजेशन फॉर यू, मतलब ये आपके जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं उनको लेते हैं और आपको सजेशन प्रोवाइड करते हैं। जो एड्स आते हैं ना आपको, वो इन्हीं की वजह से आते हैं, क्योंकि वो आपसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसी के हिसाब से आपको जो भी एड्स रहेंगे या कुछ भी रहेगा तो आपको दिखाते हैं। तो ये हमें तो फालतू चीज़ें नहीं चाहिए, हम स्टॉप गेटिंग नो कर देंगे। अकाउंट इन्फो, तो यहाँ पे आपका ऑन होगा, ये भी आपका ऑन होगा, तो इसको भी आपको ऑफ कर देना है। कॉन्टैक्ट्स पे आना है, अगर आप यूज़ करते हैं लैपटॉप है वही, तो मैं तो भैया मेल यूज़ करता हूँ, मेरा मेल का काम रहता है तो मैं यूज। अब कैलेंडर, कैलेंडर भी यूज़ करते ही हो गए आप, अगर नहीं यूज़ करते तो बंद कर दो, सब चीज़ें क्या ना। मैसेजिंग, लैपटॉप से मैसेजिंग करते हो तो चालू रखो, नहीं करते हो तो बंद कर दो। रेडियो सेम चीज़, ये सब आपको समझ जाना है। अदर डिवाइसेस, अब देखिए यहाँ पे लेट ऐप ऑटोमेटिकली सिंस योर वायरलेस डिवाइसेस दैट डोंट एपिक्स एक्सप्लिसिटी पेयर विथ योर पीसी टैबलेट और फोन, यहाँ पे अपने आप ही भैया पेयर कर लेगा। अगर मान लो कोई ब्लूटूथ आपके पड़ोसी का ब्लूटूथ है तो वो ऑटोमेटिकली उससे पेयर कर देगा, तो ये हमें नहीं चाहिए फालतू चीज़ें। फीडबैक एंड डायग्नोस्टिक, यहाँ पे नेवर, यहाँ पे आपका ऑलवेज या ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड, यहाँ पे आपको नेवर कर देना है, और यहाँ पे बेसिक कर देना है। बैकग्राउंड एप्स, अब मेन कंटेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक गेम है मार्स ऑफ एम्पायर्स, जो मैंने अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया वो भी है, तो इसे आप मैं ऑफ कर देता हूँ। सेटिंग्स देखिए, मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ जो आपको रखना है। सेटिंग, सेटिंग उनमें से एक है। स्टोर, स्टोर भी रख देना है आपको बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में स्टोर क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि स्टोर अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो और सिंपली आपने उसको क्लोज कर दिया, ऐसे यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर दिया, तो होगा क्या, वो जो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको बैकग्राउंड में परमिशन नहीं दिया। तो ये आपको ऑन रख लेना है, या कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करते हैं जैसे म्यूजिक। अब म्यूजिक देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, कॉपीराइट वाला म्यूजिक नहीं बजाता हूँ, अरे यूट्यूब थप्पा लगा देगा कॉपीराइट का, तो मैं ये वाला, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये भी बच गया। लेकिन अगर मैं इसे बैकग्राउंड में कर दिया, देख सकते हैं आप नहीं बज रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे ऑन कर दूँ, फिर से प्ले करते हैं, तो ये रहा। तो अगर आप म्यूजिक सुनते हैं बैकग्राउंड में यूज़ करने का, तो आप ये कर सकते हैं। बस ये आपको सिंपली मैं बताने के लिए कर दिया, इतना सारा ज्ञान बक दिया मैं, बाकी आप समझ सकते हैं पूरी। अब अगली सेटिंग के बारे में बात करते हैं, भैया बात करते हैं, वो है स्टार्टअप। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, टास्क मैनेजर से अपने जाइए, अपने मेरे टास्क मैनेजर पर मत देखिए, अपने टास्क मैनेजर स्टार्टअप पे देखिए। यहाँ पे मैंने जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको मैंने ब्लॉक करके रखा है, यानी डिसेबल करके रखा है। आपके में अगर बहुत सारे प्रोग्राम इंस्टॉल करके रखे हैं तो भैया ये इनेबल होंगे, इन्हें आप डिसेबल कर लीजिए। इनकी वजह से भी आपके कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाती है, तो ये आपको कर लेना है। और हाँ, आपको और अगर परफॉर्मेंस बढ़ानी है ना, तो आपको CPU पे आना है। और यहाँ आप देख सकते हैं वर्चुअलाइजेशन मेरा डिसेबल्ड है, मैं वर्चुअलाइजेशन उतना इनेबल नहीं करता हूँ। मेरे को बायोस में, मेरा जो कंप्यूटर है वो बायोस में सही जा नहीं पाता, दैट्स वाई मैं इनेबल नहीं कर पाता। तो ये आपको समझ जाना है। हाँ, तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन डिसेबल्ड है, आपको इनेबल कर लेना। बायोस में जाके ये होता है भाई, मेरा जो बायोस है वो एक जो की है वो बायोस वाली की जो है वो मेरे कीबोर्ड की ख़राब हो गई है, मेरे लैपटॉप की कीबोर्ड, तो मेरे को एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करना पड़ता है उसके लिए। आपको क्या करना है, सिंपली अपने कंप्यूटर का जो नाम है उसको गूगल पे सर्च कर देना और लिख देना। पहले आपको अपने कंप्यूटर नाम लिखना है, फिर उसके बाद बायोस की ऐसा उसके आगे लिख के सर्च कर देना, आपको मिल जाएगा बायोस की। और अक्सर करके जो वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन रहता है बायोस में, वो सिक्योरिटी टैब में होता है, तो आपको इनेबल कर देना। इससे भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी गेमिंग में खास करके, और गेमिंग में ही नहीं, अगर आप वर्चुअल मशीन चलाते हो तो उसमें भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, आप CPU बढ़ा सकते हो उसमें। तो चलिए हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने हिसाब से समझना। अगर आप अपडेट जल्दी लेना चाहते हो ना, तब ये जो टिप है ये आपके लिए नहीं, आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके देख लो। देखिए, विंडोज़ अपने आप को अपडेट करता रहता है, बैकग्राउंड में कभी भी कर लेते हैं, लेकिन आप उसके अपडेट को बंद कर सकते हो हमेशा के लिए। अगर आपको लगता है बहुत परेशान कर रहा है विंडोज़ का जो अपडेट है, तो आप उसको बंद कर दीजिए। कैसे करना है, फिर से रन कमांड लाइन खोलना है, वहाँ पे लिख देना है services.msc, ये आपको लिख देना है, वापस ऐसे लिखना है भाई services.msc, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको सिंपली एक जगह पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, आप एक जगह पे क्लिक कर दीजिए और उसके आगे लिखिए विंडोज अपडेट, यू लिखिए तुरंत आ जाएगा। मेरा देख सकते हैं डिसेबल्ड है, मैं विंडोज़ अपडेट पे करता ही नहीं हूँ, अगर मेरे कोई इंपॉर्टेंट काम रहता है या आपको अगर करना भी है ना, तो आप डिसेबल करके रखिए इसको, और एक बार मैनुअल करके एक बार इंस्टॉल कर लीजिए अपडेट, उसके बाद फिर डिसेबल कर दीजिए। मेरा डिसेबल्ड है, मैं डिसेबल ही रहने दूँगा। तो देख सकते हैं ऐसे आप ये डिसेबल कर दीजिए। तो भाई ये कुछ टिप्स थी या ट्रिक्स थी, जो भी आप कह लो, जिससे आप अपने कंप्यूटर को फास्ट बना सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आके तो भाई इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हर जगह शेयर करो भाई, और हमारे YouTube चैनल को न्यूज़ ट्रैकर वीडियोस को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ फिर कुछ ऐसी कमाल की चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।